घर में घुसकर दबंगों ने युवक को मारी गोली, मौके पर हुई मौत, 3 हुए घायल। मामला बड़हरगंज थाना क्षेत्र का। मौके पर पहुंचे एसएसपी ने कहा जल्द होगा घटना का खुलासा, कुछ लोगों को हिरासत में लेकर की जा रही है पूछताछ। पारिवारिक विवाद में बड़े ससुर ने की बहू की हत्या, मौके पर पहुंचे एसपी नाथ ने घटना स्थल का किया निरीक्षण, कहा तहरीर के आधार पर जल्द होगी अभियुक्त की गिरफ्तारी। रामघाट पर एसडीआरएफ टीम द्वारा नागरिकों को पानी में डूबने से बचने के लिए किया गया जागरूक, पानी में डूबे व्यक्ति को कैसे बचाना है दी गई विस्तृत जानकारी। कारगिल विजय दिवस पर जीआरडी कूड़ाघाट में वीर शहीद जवानों को नम आंखों से दी गई श्रद्धांजलि, वीर शहीद जवानों के परिजनों को किया गया सम्मानित, रिटायर सेना के जवानों की समस्याओं को दूर करने के लिए बनी रणनीति। लूट की झूठी सूचना देकर वादी मुकदमा द्वारा समूह का 90,000 रुपए गबन करने के आरोप में एक अभियुक्त को सिकरीगंज थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, 90,000 रुपए किया बरामद, सीओ खजनी ने किया खुलासा। अब आप अपने घर की खूबसूरती में चार चांद लगाना चाहते हो तो अब वह चाहे आपका किचन हो, बाथरूम हो, हॉल हो, ड्राइंग रूम हो या आपका अपना ऑफिस, खूबसूरती का एक नाम कजारिया टाइल्स जरूर इस्तेमाल करें और अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। अब आपके शहर में खुल गया है कजारिया टाइल्स का भव्य शोरूम, सिरेमिक वॉल और फ्लोर टाइल्स की शानदार रेंज, नवीनतम डिजाइन, सर्फेसेज और फिनिशेज। एक बार हमारे शोरूम पर अवश्य आएं और हमें सेवा करने का मौका दें। हमारे यहाँ हर प्रकार की टाइल्स उपलब्ध है। पता जगरवी एंटरप्राइजेस 64 अखिलित भवन, महेवा बनहार रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। खूबसूरती का एक ही नाम कजरिया टाइल्स। मोबाइल नंबर 8840602403, 8299370240। एक बार पता और सुन ले, जगरवी इंटरप्राइजेज 64 अखिलित भवन, महेवा बंदा रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। अपने घर की खूबसूरती के लिए एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। गोरखपुर में अश्लील गाना बजाने को लेकर बुधवार की सुबह विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि गोली चल गई जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि बड़हलगंज दौनाडीहा निवासी सुनील यादव मंगलवार की रात में ट्रैक्टर ट्राली से मिट्टी गिरा रहा था और सड़क के किनारे राजकिशोर के घर के सामने अश्लील गाना बज रहा था। रात में अश्लील गाना बजाने को लेकर जब राजकिशोर ने मना किया तो सुनील मारपीट पर उतारू हो गया। तब गांव के लोगों ने समझा बुझाकर मामला शांत करवा दिया। बुधवार की सुबह सुनील अपने 6 साथियों के साथ राजकिशोर के घर पहुंचा और घर पर पहुंचते ही राजकिशोर के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी जिससे राजकिशोर के सीने में गोली लग गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। वहीं इस संबंध में घटनास्थल पर पहुंचे एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरवर ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मीडिया से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरवर ने कहा कि अभियुक्तों की तलाश चल रही है, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। इस अवसर पर एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह, बड़हलगंज थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरवर ने कहा, आज ये थाना बड़हलगंज के रुदौली ग्राम में सुबह 7 बजे ये डौनाडी की तरफ से कुछ लोग ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के आ रहे थे रुदौली गांव में। जब उनके द्वारा जो ट्रैक्टर ट्रॉली यहां पर निकाला जा रहा था तेज स्पीड से, उनको रोका टोका गया तो इसी पे वो आमादा फौजदारी हुए। उनके द्वारा अपने और साथियों को भी गाँव से फ़ोन करके बुलाया गया, वो लोग आकर के यहाँ पर विवाद करने लगे, हमलावर हुए। इसी बीच उन्हीं में से एक व्यक्ति द्वारा यहाँ पर फायर किया गया जिसमें कि ग्राम रुदौली के राजकिशोर जो यहीं के रहने वाले हैं उनको गोली लगी, उनकी दुखद मृत्यु हुई है। यहाँ पर घटनास्थल का निरीक्षण हमारे द्वारा और सभी अधिकारियों द्वारा किया गया है। यहाँ पे जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके द्वारा इस घटना के संबंध में पूरा विवरण दिया गया है। इस घटना के संबंध में मृतक के परिवारजनों द्वारा एक तहरीर दी गई है जिसमें हमला करने वाले और घटना को पारित करने वालों को नामजद किया गया है। तत्काल इस तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करने का निर्देश दिया गया है। अभियुक्तों के संबंध में लगातार जो टीमें हैं वो सुबह से ही दबिश दे रही हैं। इसमें हमारी क्राइम ब्रांच एसओजी और स्वाट को भी लगाया गया है। अभियुक्तों के संबंध में अन्य जानकारियाँ प्राप्त की जा रही हैं। यहाँ पर घटना के संबंध में भी एविडेंसेज इकट्ठा की जा रहे हैं। जो सीसीटीवी यहाँ पर जो लगे हैं उनकी वीडियो भी इसमें देखी जाएगी।
और इसके आधार पर सभी साक्षियों के द्वारा जिनके द्वारा भी इस घटना को कारित किया गया है उनके खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी और आने वाले दिनों में इनके ऊपर गैंगस्टर और एनएसए की कार्रवाई। सर, यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो लोग बता रहे हैं कि भाई मिट्टी खनन का यहाँ पे कारोबारी लगभग दो हफ्ते से हो रही है, इस संबंध में रॉयल्टी भी नहीं है। इस संबंध में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, अभियुक्तों की जो भी गतिविधियाँ इस घटना के पूर्व रही हैं या इस घटना के पूर्व क्या परिस्थितियाँ बनी है, उन सबकी विस्तृत जांच यहाँ पर एसपी साउथ साहब और सीओ गोला के निर्देशन में पुलिस टीम द्वारा की जाएगी। अन्य माध्यमों से भी जानकारी की जा रही है। इनकी जो भी परिस्थितियां सामने आएंगी इस घटना के साथ साथ और भी अगर अवैध गतिविधियों में अगर लिप्त हैं तो उसके ऊपर भी बहुत सख्त और बहुत कठोर कार्रवाई इसके ऊपर की जाएगी। अब आप अपने घर की खूबसूरती में चार चांद लगाना चाहते हो तो अब वह चाहे आपका किचन हो, बाथरूम हो, हॉल हो, ड्राइंग रूम हो या आपका अपना ऑफिस, खूबसूरती का एक नाम कजारिया टाइल्स जरूर इस्तेमाल करें और अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। अब आपके शहर में खुल गया है कजारिया टाइल्स का भव्य शोरूम, सिरेमिक वॉल और फ्लोर टाइल्स की शानदार रेंज, नवीनतम डिजाइन, सरफेसेस और फिनिशेज। एक बार हमारे शोरूम पर अवश्य आएं और हमें सेवा करने का मौका दें। हमारे यहाँ हर प्रकार की टाइल्स उपलब्ध है। पता जगरवि एंटरप्राइजेस, 64 अखिल भवन, महेवा बंधा रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। खूबसूरती का एक ही नाम कजारिया टाइल्स। मोबाइल नंबर 8840602403, 8299370240। एक बार पता और सुन लें, जगरवि इंटरप्राइजेज, 64 अखिलेश भवन, महेवा बंदा रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। अपने घर की खूबसूरती के लिए एक बार अवश्य पधारें। पिपराइज थाना क्षेत्र के ग्राम तुलसी में ससुर ने बहू की हत्या की, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि पिपराइज थाना क्षेत्र के ग्राम तुलसी वेग में रीमा देवी नाम की महिला की उसके बड़े ससुर ने हत्या कर दिया। हत्या का कारण घरेलू विवाद बताया जा रहा है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि महिला के पति की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, उसके दो बच्चे हैं, जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, पिपराइज थाना क्षेत्र के ग्राम तुलसीरेही में रीमा देवी नामक 40 वर्षीय महिला की उसी के बड़े ससुर द्वारा हत्या कर दी गई। हत्या का कारण तात्कालिक विवाद बताया जा रहा है। शव को कब्जे में लेके पंचायतनामा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और प्राप्त तहरीर के आधार पर विवेचना पर कार्रवाई की जाएगी। जो भी उसमें अभियोग में संलिप्त होंगे उनके विरुद्ध गिरफ्तारी की जाएगी। हत्या की वजह से कुछ पता चलता है क्या? अभी तो तात्कालिक विवाद समझ में आ रहा है, तात्कालिक विवाद से ही हत्या हुई है। तो महिला का नाम क्या था और महिला का पति था कि नहीं था? महिला का पति कई वर्ष पूर्व मृत हो चुका था, वो विधवा महिला थी और दो बच्चे उसके थे, 14 वर्ष के और 15 वर्ष। एसडीआरएफ टीम द्वारा नागरिकों को पानी से डूबने से बचाने के लिए रामघाट पर जागरूक किया गया, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह ने बताया कि एसडीआरएफ की टीम द्वारा नागरिकों को डूबने से बचने के लिए जागरूक किया गया है। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति गहरे पानी में डूब जाता है और उसको हम बचा कर लाते हैं तो उसको कैसे पानी निकाल कर बचाया जाए। यह भी बताया कि उसके अलावा उस व्यक्ति की पल्स को चेक किया जाए, यदि पल्स नहीं चलती है तो कैसे बचाया जाए, यह भी बताया गया है। इस अवसर पर सदर तहसीलदार विकास कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह ने कहा, मैं आप सभी लोगों को बताया गया, जागरूक किया गया और उसके साथ ही हमारी एसडीआरएफ की टीम के द्वारा अगर कोई व्यक्ति नदी में या कहीं पे डूब जाता है पानी में तो उसको किस तरह से फर्स्ट एड देना है नदी से निकालने के बाद, उसके बारे में भी आपको बताया गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह ट्रेनिंग का सेशन जो आज दिया गया लाभकारी होगा और इसमें ये भी आप लोगों से उम्मीद है कि इस ट्रेनिंग सेशन में जो कुछ आपने सीखा है वो अपने गांव के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने साथ के लोगों को जरूर इस मैसेज को पास करेंगे, जिससे कि जो अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे ना कि आपने ट्रेनिंग लिया लेकिन इसका फायदा तभी मिलेगा जब आप अपने साथी, अपने आस पास के रहने वाले, अपने परिवार के लोगों को इसके बारे में जागरूक करेंगे ताकि कोई विपदा अगर आपके ऊपर आती है तो आपको वो बचा सकें। तो इस उम्मीद के साथ मैं डॉक्टर साहब, जो एडिशन सीएमओ साहब हैं उनको और एसडीआरएफ की टीम और
तहसीलदार साहब और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से उपस्थित सभी साथियों और मीडिया से उपस्थित। अब आप अपने घर की खूबसूरती में चार चांद लगाना चाहते हो तो अब वह चाहे आपका किचन हो, बाथरूम हो, हॉल हो, ड्राइंग रूम हो या आपका अपना ऑफिस, खूबसूरती का एक नाम कजारिया टाइल्स जरूर इस्तेमाल करें और अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। अब आपके शहर में खुल गया है कजारिया टाइल्स का भव्य शोरूम, सिरेमिक वॉल और फ्लोर टाइल्स की शानदार रेंज, नवीनतम डिजाइन, सरफेसेस और फिनिशेस। एक बार हमारे शोरूम पर अवश्य आएं और हमें सेवा करने का मौका दें। हमारे यहाँ हर प्रकार की टाइल्स उपलब्ध है। पता जगरवी एंटरप्राइजेस 64 अखिलित भवन, महेवा बंधार रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। खूबसूरती का एक ही नाम कजारिया टाइल्स। मोबाइल नंबर 8840602403, 8299370240। एक बार पता और सुन ले, जगरवी इंटरप्राइजेज 64 अखिलित भवन, महेवा बंदा रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। अपने घर की खूबसूरती के लिए एक बार अवश्य पधारें। कारगिल विजय दिवस पर कूड़ा घाट पर जीआरडी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जीआरडी के डीआईजी वी संतोष ने कारगिल युद्ध में शहीद वीर जवानों को मेमोरियल पर श्रद्धांजलि दी और वीर जवानों के शहीद परिजनों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने जीआरडी के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि कारगिल विजय दिवस स्वतंत्र भारत के सभी देशवासियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। भारत और प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था जो लगभग 60 दिनों तक चला था, जिसका अंत 26 जुलाई को हुआ था, जिसमें भारत ने विजय प्रताप प्राप्त की थी। कारगिल युद्ध में शहीद जवानों की याद में कारगिल विजय दिवस हम लोग मनाते हैं। उन्होंने कहा, इस वर्ष हम घोषणा करते हैं कि रिटायर सेना के अधिकारियों के लिए स्वास्थ्य विद्या को बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा फातिमा हॉस्पिटल की सुविधा को बढ़ाया जाएगा जो कि देवरिया में है, जहां की सेना के जवानों का इलाज होता है। उन्होंने कहा कि रिटायर सेना के जवानों की पेंशन की जो समस्या है उसको दूर किया जाएगा तथा उनको वेलफेयर भी दिया जाएगा। और मिश्रा साहब ने ऑलरेडी आपको काफ़ी कुछ बता दिया है, पर फिर भी मेरे तरफ से कुछ चीज़ें हैं जो मुझे मैं बताने लायक समझता हूँ। ये जो कारगिल 25 जुलाई है, भारत के इतिहास और हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है और ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि 3 मई से लेके 26 जुलाई 83 दिनों के लिए लगातार ऐसे हाइट 18,000-19,000 फीट में लड़ के हमारे जवानों ने पाकिस्तानी सोल्जर्स और इरेगुलर्स को वहां से खदेड़ के बाहर निकाला। 1971 के लड़ाई के बाद, इंडो पाक वॉर के बाद, जब बांग्लादेश अलग टुकड़ी हुआ, तो तब से पाकिस्तान प्रतिशोध के लिए बहुत कुछ किया, जैसे सियाचिन, ब्रास टैक्स, जम्मू कश्मीर में छोटे छोटे भत्ते और ऐसे करता रहा। फिर 98 के विंटर्स में, जो सर्दियों में, उन्होंने एनसी के पार तकरीबन 150-200 किलोमीटर के इलाके को उन्होंने घेर लिया। उनका मकसद एक ही था, कश्मीर से जो लेह का जो हाईवे है उसको सिवर करना, उसको काटना, उस मकसद से वो लोग आए। इंडियन आर्मी ने तुरंत ही 2,00,000 सोल्जर्स ऑल रैंक्स इमीडिएटली हमने डिप्लॉय किया। इंडियन एयरफोर्स ने अपना फाइटर प्लेन्स, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स और उनका फोर्स, इंडियन नेवी ने इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल दोनों तरफ सारे 83 दिन के लड़ाई के बाद, जैसे मैंने बोला, हमने उसको उनको वहां से बाहर निकाला और विक्ट्री हमने हासिल किया। जैसे हम कारगिल बोलते हैं, वहां के जो हाइट्स हैं, टाइगर हिल, टोडो लेक 5770 जो मिश्रा साहब बता रहे थे, एक बार वहां जाओगे तभी आजमा पाओगे कि कितने हाइट्स में हम लोग लड़ाई करते हैं। जो भी मेरे सिविलियन फ्रेंड्स हैं, जब भी जम्मू कश्मीर जाते हैं, मैं उनको बताता हूँ कि जरूर कारगिल वॉर मेमोरियल जाना, क्योंकि हमारे देश के जो सोल्जर्स वहां लड़ाई किया, उस स्वतंत्रता और इंडिया के पेट्रियोटिज्म की जो भावना है वही जागरूकता और इंडियन आर्मी का, आर्म फोर्सेस का इंपैक्ट
जो सैक्रिफाइस है वही पता चलता है, नहीं तो शहरों में बैठ के उनको इंटरनेट और वीडियो देख के वो एक्चुअली आजमाते नहीं है और पता भी नहीं चलता। और जो भी वहां से जाके आए हैं मुझे हमेशा वहां से इमीडिएटली कॉल करके मुझे फोन के थ्रू ही सैल्यूट। अब आप अपने घर की खूबसूरती में चार चांद लगाना चाहते हो तो अब वह चाहे आपका किचन हो, बाथरूम हो, हॉल हो, ड्राइंग रूम हो या आपका अपना ऑफिस, खूबसूरती का एक नाम कजारिया टाइल्स जरूर इस्तेमाल करें और अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। अब आपके शहर में खुल गया है कजारिया टाइल्स का भव्य शोरूम, सिरेमिक वॉल और फ्लोर टाइल्स की शानदार रेंज, नवीनतम डिजाइन, सर्फेसेज और फिनिशेज। एक बार हमारे शोरूम पर अवश्य आएं और हमें सेवा करने का मौका दें। हमारे यहाँ हर प्रकार की टाइल्स उपलब्ध है। पता: जगरवी एंटरप्राइजेस 64 अतुलित भवन, महेवा बंधार रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। खूबसूरती का एक ही नाम कजरिया टाइल्स। मोबाइल नंबर 8840602403 8299370240। एक बार पता और सुन लें, जगरवी इंटरप्राइजेज 64 अतुलित भवन, महेवा बंदा रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। अपने घर की खूबसूरती के लिए एक बार अवश्य पधारें। सिकरीगंज थाने की पुलिस लूट का झूठा सूचना देकर समूह का पैसा 90,000 गबन करने के आरोप में अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में सीओ खजनी अंजनी कुमार पांडे ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान विजय दुबे, वादी मुकदमा पुत्र विनोद, निवासी ग्राम छरवलिया, थाना निचलौल, जनपद महाराजगंज, हाल मुकाम उरवा बाजार, थाना उरवा बाजार, जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से 90,000 रुपये बरामद किया गया है। सीओ खजनी ने बताया कि थाना सिकरीगंज पर वादी मुकदमा विजय दुबे पुत्र विनोद, निवासी ग्राम झरवलिया, थाना निचलौल, जनपद महाराजगंज, हाल पता उरवा बाजार, थाना उरवा बाजार, जनपद गोरखपुर की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। विवेचना के दौरान वादी मुकदमा विजय दुबे उपरोक्त से पूछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ कि वह मिडलैंड माइक्रोफोन लिमिटेड में फील्ड ऑफिसर का कार्य करता था। कंपनी द्वारा दिए गए लोन को वह समूह के लोगों को दिया करता था, जिसकी वसूली कर वह अपनी कंपनी के ब्रांच उरवा बाजार में जमा करता था। उसने लालच में आकर इस वसूली के पैसे को गबन करने के फिराक में झूठी कहानी रचकर लूट की घटना की सूचना दे दी तथा मुकदमा लिखवाया था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में सिकरीगंज थाना प्रभारी मनीष कुमार यादव, उप निरीक्षक प्रदीप पांडे, कांस्टेबल मृत्युंजय सिंह, राकेश यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ खजनी अंजनी कुमार पांडे ने कहा, सिकरीगंज में एक लूट की सूचना दिनांक 21 तारीख को मिली थी, जिसमें एक कलेक्शन एजेंट जो लोगों से पैसा कलेक्ट करके और बैंकों में जमा करते थे, एक समूह बैंक की तरह से जो कार्य करता था उसमें ये एजेंट का कार्य करते थे, वो वादी स्वयं थे। उन्होंने बताया कि मेरे साथ जो है कि लूट की घटना हो गई है, तो तत्काल मौके पे पुलिस और पुलिस अधीक्षक दक्षिणी महोदय और मेरे द्वारा विजिट किया गया, स्पॉट देखा गया, पूछताछ की गई और फिर आगे हम लोग इसमें छानबीन करने लगे। लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे तथ्य निकल कर आए जो बाद में विवेचना के क्रम में और छानबीन के क्रम में यह पता चला कि जो जगह जहां पर लूट की घटना हुई थी और जहां से वो पैसा लेकर चले थे, उनके बीच में जो समय का डिफरेंस था और उनके द्वारा बताए गए बयान जो उनके एक तारतम्य में नहीं बैठ रहा था, लिहाजा इसकी जांच और गहनता से किया गया और पूछताछ किया गया और हमारे कैमरे जो लगे हैं उनकी मदद ली गई, सर्विलांस टीम का मदद लिया गया, उनके द्वारा किए जाने वाले कालों का डिटेल का एनालिसिस किया गया और अंततः जाकर यह निष्कर्ष निकला कि उनके द्वारा दी गई जो सूचना लूट की है वो कहीं ना कहीं सही नहीं प्रतीत हो रही है। फिर इस पे और जो है कि गहराई से जब पूछताछ की गई, उनके और भी जो है कि दिए गए सबूतों के ऊपर जो है कि हम लोगों ने जब छानबीन किया, तो अंततः जाकर उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। स्वयं उनका नाम है विजय दुबे जी द्वारा जो है कि यह सूचना दी गई थी, फिर बाद में उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमने यह झूठी सूचना दी थी, मेरे साथ किसी प्रकार की लूट नहीं हुई थी, उनके मन में पैसे को लेकर लालच आ गया था। अभी उनके कुछ जो पिछले इतिहास इस कंपनी में काम करने के थे, उनके एम्प्लॉयर से जो बात किया गया था तो उससे भी निकल कर आया कि वह उनका उठना बैठना चाल चलन भी संदिग्ध और इस प्रकार का है, जिससे कि शक पैदा होता है। और यह बात जाकर बाद में पुष्ट भी हो गई, पैसे पूरे जो उन्होंने लूट के बताई थी
सकुशल बरामद उन्होंने कराया, उन्हीं के पास से पैसा मिला और यह किया गया कार्य उनको उनके द्वारा किया गया कार्य आपराधिक श्रेणी में आता है और इस अपराध के लिए उनके ऊपर पुनः उनके द्वारा दी गई झूठे मुकदमे के बदले और एक पुनः विधिक कार्रवाई स्टार्ट कर दी गई है जो उस पर अग्रिम कार्रवाई करके उनको दंडित करने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष जो है पेश किया जा रहा है। नहीं, इनका किसी प्रकार का आपराधिक इतिहास नहीं है। कब से ये काम कर रहे थे? इनके द्वारा बताया गया कि पिछले 7 महीने से ये वह कलेक्शन एजेंट का कार्य करते थे। कितने पैसे की लूट इसमें आनी थी? जी, इसमें इन्होंने 89,500 रुपये के आसपास जो है कि कलेक्शन कर लिए थे। इनके द्वारा और भी एक जगह आगे जाके भी कलेक्शन करना था लेकिन एक सुनसान जगह बीच पर ही उन्होंने इसको पूरी घटना को प्लान किया।